गाइस, सिमेंटिक वेब सॉल्यूशन की जानिब से मैं मोहम्मद वसीम। इस वीडियो सीरीज में आज हम गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम जो गेम है उसको डेवलप कर सकते हैं। इससे जो प्रीवियस ट्यूटोरियल थे उसमें मैंने गेम डेवलप की हुई थी, मैंने उसका प्रीव्यू दिखाया था कि किस तरह से आप उस तरह की जो गेम है डेवलप कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए मैं अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसको मैं यस करता हूँ। हमारा सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो चुका है। यहाँ से हम फाइल, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद एडिट कर सकते हैं, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है तो यहाँ से हम उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा सेगमेंट में उतरा, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिस तरह रूम, तो उसकी जो वॉल है जिसको हम दीवार कहते हैं उसको हम पेंट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है पेंट। अगर फ्लोर मतलब फर्श अगर हमने क्रिएट किया है तो हम उसको भी एक सेगमेंट फ्रॉम ग्रिड के जो ग्रिड हम क्रिएट करते हैं, जिस तरह के ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ ग्रिड है, इस तरह भी आप जो फ्लोर है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आप फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह आप इसको मूव करवाएंगे ये इसको रेंडर करता जाएगा। ये देखिए इस तरह, तो इस वीडियो में सिर्फ आप जो फ्लोर है उसको ही बेसिकली क्रिएट करना सीख लें, क्योंकि जब आप कोई भी गेम बनाएंगे जो फ्लोर उसमें होता है उसमें उसका बेसिकली बेनिफिट होता है अगर आपको क्रिएट करना आता है। इस तरह आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैंने एडिट के बारे में बताया कि अगर आपने कोई फर्दर काम किया है तो आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर मैं इसको अंडू करता हूँ तो आप देखेंगे जिस तरह मैं इसको अंडू करता जाऊँगा जो हमने ड्रा किया है वो रिमूव होता जाएगा। इस तरह अगर मैं इसको रीडू करता हूँ जो हमने रिमूव किया वो दोबारा आ जाएगा। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंडेड ड्रा मोड, मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ ये इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसको मूव करवाऊँगा आप फ्लोर जो है इसको ड्रा कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं इसको इंटरनल करता हूँ यहाँ पे इसको, वो ये देखिए आप इसका यूज़ करते हुए भी आप जो फ्लोर है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं सेगमेंट मोड, देखिए आप इस तरह आप इसको रिमूव कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे ड्रा किया फ्लोर। आप देखेंगे कि इस पे वाइट कलर के जो जिसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, हम इस सेगमेंट टूल के ज़रिए या सेगमेंट मोड के ज़रिए इनको रिमूव कर सकते हैं। इसको आप रिमूव कर सकते हैं इस तरह। इसके अलावा फर्दर हम इसको एंटिटी मोड, मतलब हमने कोई एंटिटी या ऑब्जेक्ट हमने ड्रा किया तो इसका यूज़ करते हुए हम उसको एडिट कर सकते हैं, जूम इन इसको, क्लिपबोर्ड एडिट कर सकते हैं इसको। इस तरह ये आप देख सकते हैं इसको इस तरह मूव करवा के जो हमने ऑब्जेक्ट एडिट किया होगा क्लिपबोर्ड उसको भी मूव करवा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। इसके अलावा जूम इन कर सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस तरह जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ पे जूम आउट। इसके अलावा हम इसको मूव अप क्रम में मतलब अपर लेवल की तरफ मूव करवा सकते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस तरह आप उसको मूव करवा सकते हैं व्यू एक्सटर्नल लेवल के जो हमने ड्रा किया फ्लोर वो हमारे मैप के किस कॉर्नर पे ड्रा हुआ है आप इस टूल के जरिए उसको देख सकते हैं व्यू। अगर आप जो टूल बार या साइड बार है उसको देखना चाहते हैं कि वो यहाँ पर अपीयर हो तो आप यहाँ पे उसको चेक या अनचेक कर सकते हैं। अगर आप अनचेक करेंगे तो यहाँ पे वो अपीयर नहीं होगी, तो आप इसको जितने भी है इसको आप चेक कर लीजिए ताकि जो टूल बार है आपको उसकी समझ आ सके किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हेल्प आउट ले सकते हैं। तो फर्दर हम इसको जो ये वाले मेन्यू बार या टूल बार है इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए तरह के ट्यूटोरियल लाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।